चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं मानव अंगों के बारे में कैसे और क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं मानव शरीर में लंग्स की। जी हाँ, मानव शरीर के फेफड़े श्वसन तंत्र के केंद्र होते हैं और सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। फेफड़े में मौजूद हजारों पतली नलिकाएँ छोटे वायु कोशों के गुच्छों में ख़त्म होती हैं। इन नलिकाओं के जरिए शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त प्रवाह इस अपशिष्ट गैस को वापस फेफड़ों में ले जाते हैं, वहां से इसे हटाकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया जिसे गैस विनिमय कहते हैं जीवन के लिए ज़रूरी है। फेफड़े के कुछ काम बताते हैं। शरीर के उचित तापमान पर हवा लाना, हवा को नमी के सही स्तर पर मॉइस्चराइज करना, शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाना और गंध की भावना का समर्थन करना। प्यारे दोस्तों, खुशामदीद है आपका साजिद हसन हेल्थ चैनल पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी और वीडियो पसंद आए तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्थ नॉलेज के लिए चैनल को आज ही लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बी पेशेंस के साथ बने रहें। शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग की। आम तौर पर एक वयस्क इंसान की खोपड़ी में करीब 1500 ग्राम का मस्तिष्क होता है, जिसे 100 से लेकर 130 मिलीलीटर खून और 75 मिलीलीटर मस्तिष्क मेरुद्रव होता है। हर मिनट मस्तिष्क से 750 से लेकर 1000 मिलीलीटर खून बहता है। यह मात्रा 1 लीटर सोडा या 1 बोतल शराब भरने के बराबर होती है। अगर मस्तिष्क में खून का प्रवाह कम हो जाए तो इसे सोचने और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, साथ ही मनोभ्रंश विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, धूम्रपान ना करें, सप्ताह में 14 यूनिट से कम शराब अगर पीते हैं तो पिए। इसके अलावा अगर इसे बच सकते हैं तो एक अच्छी बात है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होना ज़रूरी होता है। मानव मस्तिष्क के अगर 3 प्रमुख काम की बात की जाए, सोचना, बात करना, महसूस करना, देखना, सुनना, याद रखना, जानकारी प्राप्त करना, संसाधित करना और व्याख्या करना, शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है हमारा ब्रेन। मानव मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS बनता है। मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क।